नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे गोल्डन नंबर वन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हरियाणा जीके के उनके बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है कि हरियाणा का जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है CID का है, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है वो स्कूल कहाँ पे है, यानी वो कहाँ पे खोला गया है। ठीक है, तो वो कहाँ पे स्थित है? जीरकपुर में है, पंचकुला में है, चंडीगढ़ में है, या गुरुग्राम में है, या अप्रयासित, यानी आप जवाब नहीं देना चाहते। ठीक है, तो जो CID का जो प्रशिक्षण विद्यालय है वो कहाँ पे है, वो आपका राइट आंसर रहेगा पंचकुला में। कहाँ पे है वो? पंचकुला में स्थित है। कहाँ पे? पंचकुला में स्थित है। किसका पूछे तो प्रशिक्षण? CID का प्रशिक्षण विद्यालय पूछे आपसे, तो आप क्या बताओगे? पंचकुला बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक आप ऐसे लगा सकते हो कि जो देहात से क्वेश्चन उठता है ना, अपने गांव से रिलेटेड लगा लो, या पुरानी एक परंपरा है, ठीक है, या हस्तकला बोल सकते हो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एक फूड स्टूल है, ठीक है, डैश एक फूड स्टूल है, ठीक है, जिसमें क्या है, विभिन्न रंगों और पैटर्न के धागों को आपस में गूंथ कर एक सीट बनाई जाती है। ठीक है, तो आपने घर पे देखा होगा, अपने घरों में पुराने समय में भी और अब भी मोस्टली कई घरों में पाई जाती है, पिड्डी बोलते हैं, ठीक है, यानी छोटी एक चौपाई सी होती है, ठीक है, उसमें धागों से क्या करी जाती है, उसकी रंग बिरंगे धागों से उसकी क्या है, बुनाई की जाती है, और वो बैठने के लिए प्रयोग की जाती है खासकर महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा पिड्डी। ठीक है, क्या रहेगा? पिड्डी। ठीक है, उसको बोलते हैं हम पिड्डी। ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, एक छोटी स्टूल नुमा होती है वो, और उसमें क्या है, विभिन्न रंगों की पैटर्न की क्या की जाती है, आपस में धागों को गूंथ कर उसमें सीट बनाई जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिड्डी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्टूल का छोटा रूप भी होता है। क्या होता है? स्टूल का छोटा रूप भी हम इसको क्या है बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पिड्डी को। क्या बोलते हैं? फूड स्टूल बोलते हैं, और कई रंगों का पैटर्न से बनी होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, हरियाणा जीके में हस्तशिल्प या कला से रिलेटेड है ना, कई बार पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप में मोस्टली आप नेगलेक्ट ना करें, इनको अच्छे से करके जाएं, ताकि क्वेश्चन आए तो आप उनको आसानी से कर पाओ। और क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, तो प्लीज़ कक्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी? शाही नहीं, नादिर शाह से की थी। ठीक है, तो नादिर शाह क्या है, एक क्रूर राजा में गिना जाता है। ठीक है, यानी क्रूरता के कारण क्या है, नादिर शाह को जाना जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जो हरियाणा के किस प्रमुख जो हिंदी लेखक थे, ठीक है, यानी हिंदी के जो प्रमुख लेखक थे, जो क्या थे, हरियाणा से बिलोंग करते थे, उन्होंने कर्जन के कार्यों को, लॉर्ड कर्जन के कार्यों को तुलना किससे की थी? नादिर शाह से की थी। तो कौन से थे? हाली ने की थी, लाला लाजपत राय ने की थी, बाल मुकुंद गुप्ता ने की थी, या पंडित नेकीराम ने की थी? तो क्या है इसका जो राइट आंसर है वो है बाल मुकुंद गुप्ता, है ना, उसने क्या की थी, ये कैसे हिंदी के लेखक थे जो क्या हरियाणा से संबंधित थे, और उन्होंने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन के जो कार्यों की तुलना है वो किससे की थी? नादिर शाह से की थी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि क्या है आपको मैं करवा रहा हूँ, जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये क्या बताया था इन्होंने, बालमुकुंद गुप्ता है ना, उन्होंने क्या बताया था कि लॉर्ड कर्जन को क्रूरतम तानाशाह बताते हुए कैंसरजार और नादिर शाह से भी अधिक क्रूर कहा था। ठीक है, यानी उससे भी ज़्यादा क्रूर कहा गया था इनको। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोबारा एग्जाम में आया हुआ था, यानी ये दूसरे पेपर सेट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उनसे ही मैंने चूज़ करके आपके लिए ये क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, जैसे लाडली बेटी योजना होगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगी, ठीक है, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना होगी, भावांतर भरपाई योजना है, जो कि हरियाणा में मोस्टली ट्रेंडिंग रहती हैं, उस प्रकार की योजनाएं आप एक लिस्ट बना के आराम से तैयार कर सकते हो, और वो क्या है आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे ये पूछी गई थी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो मैंने कल बताया था आपको कब की गई थी, तो वो कौन सी है, 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2016 को, 28 नवंबर 2016, या 28
नवंबर 2014 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा आएगा, 28 अगस्त 2014 को क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी घोषणा पूछे तो कब की गई थी, तो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को क्या है इसकी घोषणा कर दी गई थी। किसकी कर दी गई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की। और किसके द्वारा की गई थी, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी जो वर्तमान में अब भी प्रधानमंत्री हैं कौन, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा के मसाणी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। अब हरियाणा में क्या है, बांध है, आप सभी को पता हुआ कि कितने बांध हैं, ओटू बांध कहाँ है, ठीक है, कौशल्या बांध कहाँ है, ठीक। तो इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपको क्या है, यदि आपको टॉपिक चाहिए तो मैं टॉपिक वाइज करवा सकता हूँ इन चीज़ों को, कि बांध से रिलेटेड टॉपिक है, नदियों से रिलेटेड टॉपिक है, वेशभूषा से रिलेटेड टॉपिक है, भूमि से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो भी है ना आपके नेशनल हाईवेज का टॉपिक है, रेस्टोरेंट का टॉपिक है, ठीक है, तो जो भी है ना इन इस प्रकार के टॉपिक हैं वो मैं अलग अलग भी करवा सकता हूँ। यदि आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के मसाणी बांध, ठीक है, निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है, तो वो किस पर है, टांगरी पर है, यमुना पर है, या कृष्णावती या साहिबी पर, इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन आपका साहिबी, बी है यमुना, सी है आपका कृष्णावती, और डी है आपका टांगरी। तो इसका ऑप्शन क्या राइट आंसर है वो क्या रहेगा, वो रहेगा साहिबी नदी पर। कहाँ पे है ये है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कहाँ पे है ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बहती है, ठीक है, एक मौसमी नदी है ये, ठीक है। तो क्या है मसाणी बांध पूछे आपसे तो क्या कहाँ बताओगे आप, साहिबी नदी पर है, और एरिया पूछे तो आप क्या बताओगे, रेवाड़ी है, क्या बताओगे, रेवाड़ी है। इसी के साथ पढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र चलाता है। आपको पूछने का तरीका चेंज कर दिया इन्होंने, देखो कि हरियाणा के वन विभाग का जिक्र कर दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे, और सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौन सा प्रजनन केंद्र है, ठीक है, यानी कुरुक्षेत्र में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रजनन केंद्र है वो पूछ रहा है आपको। बस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्या कर रहा है कि हरियाणा का वन विभाग, ठीक है, वो ऐड कर दिया आपसे, और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप क्या है क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने से मोस्टली क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व होता है यदि आपने पढ़ रखा है तो। यदि क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपके जो सोचने की क्षमता है वो क्या है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ने में दिमाग आपका क्या है वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, और आप क्या है एग्जाम में पीछे रह जाओगे। तो क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। तो हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है, तो कौन सा चलाता है। ए ऑप्शन आपका तीतर प्रजनन केंद्र, बी है आपका मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, तीसरा आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र, और डी है आपका मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा आता है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, कौन सा है, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप सबको ये बताना है कि जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ये कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में कहाँ पे है, ये आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है झील के बारे में, झील का टॉपिक है, ठीक है। तो झील के बारे में पूछ रहा है आपको कि जो कौन सी झील है जो कि हरियाणा के रोहतक में स्थित है, कहाँ पे है, रोहतक में। तो रोहतक में कौन सी है, कर्ण झील है, या ब्रह्म सरोवर है, तेलियार है, या ब्लूबर्ड झील है। तो इसका आंसर राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा, तेलियार झील, कौन सी है, तेलियार झील है, ठीक है, जो कहाँ पे है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, कहाँ पे है ये, रोहतक ज़िले में स्थित है, कौन सी, तेलियार झील है। फिर आपसे क्या है कि तेलियार से अलग और भी झील है, कर्ण झील है, ये कहाँ पे है, कर्ण झील कहाँ पे है। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि कर्ण नगरी जो सोच के, कर्ण सोच के सोचेंगे महाभारत का करेक्टर है तो कुरुक्षेत्र निशान लगाएंगे, पर कुरुक्षेत्र इसका नहीं आएगा, इसका आएगा करनाल, कौन सा आएगा, करनाल डिस्ट्रिक्ट में है, कौन सी, कर्ण झील कहाँ पे है, करनाल में है। ब्रह्म सरोवर आपसे पूछे तो ब्रह्म सरोवर कहाँ बताओगे आप, कुरुक्षेत्र में है, जो भी सरोवर आए सरोवर से रिलेटेड मोस्ट ऑफ क्या मिलेंगे आपको, कुरुक्षेत्र में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, कुरुक्षेत्र में मिलेंगे। तो ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। तेलियार मैंने अभी बताया आपको, तेलियार कहाँ पे है, रोहतक ज़िले में है। और ब्लूबर्ड झील है वो कहाँ पे है, वो है हिसार में, ठीक है, कहाँ पे है,
हिसार में, और ब्लैक बर्ड पूछ ले तो आपको कहाँ बताओगे, आप बताओगे हाँसी में, ठीक है, कहाँ पे, हाँसी में ही, ठीक है। और ब्लू बर्ड पूछे तो आप कहाँ बताओगे, हिसार में, कहाँ बताओगे, हिसार में। कर्ण पूछे तो करनाल बताओगे, ब्रह्म सरोवर पूछे तो आप क्या बताओगे, कुरुक्षेत्र बताओगे, और तेलियार पूछे तो आप क्या बताओगे, रोहतक बताओगे। मेरे ख्याल से आपको आसानी से ये याद हो गए होंगे, और इनसे जो भी क्वेश्चन आएगा उम्मीद करता हूँ आप आसानी से उसको कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक थे, तो हरियाणा का जो समाचार पत्र था हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे दीनदयाल शर्मा। कौन थे, दीनदयाल शर्मा थे, कौन थे, दीनदयाल शर्मा थे, ठीक है, जो हरियाणा के पहले समाचार पत्र के संपादक थे, ठीक है। इसके अलावा अनेक पत्रिकाएं हैं, अनेक समाचार पत्र हैं जो कि निकाले गए थे, ठीक है। तो इस बारे में भी टॉपिक है कम्प्लीट, मैं आपको कोशिश करूँगा करवाने की। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हरियाणा में फिल्मों का दौर कब शुरू हुआ। हरियाणवी भाषा, यानी हरियाणवी भाषा नहीं है, एक बोली है, ठीक है। तो हरियाणवी बोली में जो फिल्म बनाई गई वो कब बनी और कौन सी फिल्म थी, ठीक है। तो पहली फिल्म किसको माना जाता है, तो एक है चंद्रकिरण, धरती, बहुरानी या चंद्रावल। कौन सी हैं, चंद्रकिरण है, धरती है, बहुरानी और चंद्रावल है। तो कई बार आपने जिक्रा भी सुना होगा या जो भी आप गाने सुनते हो, तो उनमें क्या है कि एक चंद्रावल का जिक्र आता है कि फिल्म चंद्रावल देखूंगी, इस टाइप से है कोई गाना, ठीक है। तो ये पहली फिल्म नहीं थी, ये सुपर हिट फिल्म थी हरियाणा की। जो सबसे सुपर हिट फिल्म थी वो कौन सी थी, वो थी चंद्रावल। कौन सी थी, चंद्रावल फिल्म थी, जो क्या थी, वर्ल्ड वाइड बहुत सुपर हिट हुई थी उस समय में। सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या थी, चंद्रावल फिल्म थी। पर जो पहली फिल्म मानी जाती है वो कौन सी है, वो है धरती। कौन सी मानी जाती है, वो है धरती मानी जाती है, ठीक है। यानी धरती कब आई थी, तो धरती मूवी है जो हरियाणवी बोली में बनाई गई थी वो 1968 में आई थी। कब आई थी, 1968 में, क्या इसको रिलीज़ किया गया था, ठीक है। तो आपसे पहली फिल्म पूछे तो आप क्या बताओगे, धरती बताओगे। और सबसे ऐसी पहली फिल्म जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, सुपरहिट फिल्म पूछे तो आप क्या बताओगे, चंद्रावल बताओगे। क्या बताओगे, चंद्रावल बताओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के किस नाम से, ये नाम पूछना चाह रहा है आपसे कि किस नाम से उसको जानते हैं, जो हिसार में हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है, सीधे तौर पर आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो हिसार में जो हवाई अड्डा उसका क्या नाम है, ऑप्शन कौन से हैं, दयाराम, भगत सिंह, महाराजा अग्रसेन या पंडित नेकीराम। तो इसमें क्या है, जो क्या है ऑप्शन आपका सी है ना, महाराजा अग्रसेन, ये क्या है इसका राइट आंसर है। इसका पूरा नाम क्या है, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में क्या है इसको जाना जाता है, किसको जाना जाता है, हिसार हवाई अड्डे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हरियाणा का एकमात्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र दूरदर्शन केंद्र, ठीक है, जो आपके टीवी पर आता है ना, टीवी की स्क्रीन जब आप देखते हो टीवी न्यूज चैनल, ठीक है, तो दूरदर्शन केंद्र जो कि एकमात्र हरियाणा में, ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो स्थान है जहाँ पे क्या है दूरदर्शन केंद्र बनाया गया था, ठीक है। तो वो कौन सा है, हिसार है, गुरुग्राम है, अम्बाड़ा है या यमुनानगर है। तो जो हिसार है ना ऑप्शन, जो आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे क्या है 1 नवंबर 2002 को क्या है श्रीमती सुषमा स्वराज के द्वारा क्या है ये बनाया गया था, यानी उद्घाटन किया किसके द्वारा किया गया था, तो सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और कब किया गया था, 1 नवंबर 2002 को किया गया था। और ये क्या था, एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था। और वर्तमान में इसको क्या है, कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है, वर्तमान में इसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो आपसे ये महत्वपूर्ण जानकारी पूछ भी सकता है कि इसका जो निर्माण है वो कब किया गया, उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया। तो 1 नवंबर 2002 को क्या है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था। तो उस समय वो क्या थी, वो उस समय सूचना और प्रसार मंत्री थी। क्या थी, सूचना और प्रसार मंत्री थी, ठीक है। तो किसके द्वारा हुआ, सुषमा स्वराज के द्वारा हुआ। और कहाँ पे ये पहले हिसार में था और अब कहाँ पे है, अब चंडीगढ़ में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत की पहली महिला जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक
ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है? तो ऐसी कौन सी महिला है जो क्या है कि मेडल जीत के लाई थी ओलंपिक में, ठीक है? तो भारत के लिए ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था? तो कौन कौन से ऑप्शन आपके, संगीता फोगाट है, साक्षी मलिक है, बबीता फोगाट है, या गीता फोगाट है, यानी फोगाट सिस्टर्स हैं जो, ठीक है? तो इनमें से क्या है जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, साक्षी मलिक का रहेगा। किसका रहेगा? साक्षी मलिक का रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, उस समय इन्होंने क्या था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कब? जब रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, ठीक है? तो उस समय ये पहली ऐसी महिला बनी थी जो कि क्या है कुश्ती में मेडल लाई थी, ओलंपिक मेडल लेके आई थी, ठीक है? तो इसलिए आप क्या किसका नाम ध्यान रखोगे, साक्षी मलिक का। और इनका संबंध कहाँ पे है ये, ठीक है? तो इनका गांव कौन सा है, वो है मोखरा। और किस कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में ये पढ़ती हैं, ठीक है? यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनका गांव कुछ है तो आप क्या बताओगे, मोखरा गांव है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के रूप में जानते हैं, ठीक है? यानी गांधी, महात्मा गांधी थे, ठीक है? तो उनके कई बार उपाधि दी जाती है लोगों को, कि मोस्टली बोल देते हैं कि भाई फलाने चीज़ है ये, कि ये गांधी है, ये वो है। तो उस प्रकार से हरियाणा के गांधी के रूप में कौन जाना जाता था, तो कौन जाना जाता था, ऑप्शन कौन से हैं, बाबू मूलचंद जैन, धर्म सिंह यादपुर, सर छोटू राम, या राव तुलाराम, ठीक है? तो इनमें से कौन है जो हरियाणा के गांधी के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन है, बाबू मूलचंद जैन। कौन है ये, बाबू मूलचंद जैन है, जो कि क्या है हरियाणा के अक्सर क्या है गांधी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रेणी, इसमें 40% भूमि क्षेत्र शामिल है, ठीक है? तो वास्तव में उत्तरी मैदान इन्हीं मिट्टी से बना है। तो इसके मोस्ट ऑफ क्या है कि सर जो मिट्टी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी मिट्टी से जो 40% भूमि है वो बनी हुई है उत्तरी मैदान की, जो उत्तरी मैदान है ना वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना उसकी खुदाई चल रही है, हरियाणा में कई जगह चलती है, आप सभी को पता होगा कौन से ऐसे स्थान हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जहाँ पे क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे, ठीक है? तो उसके क्या है कि उनको सुरक्षित रखने के लिए म्यूजियम बनाया गया है, तो उस म्यूजियम का नाम क्या है, तो बनावली संग्रहालय है, मोहनजोदड़ो संग्रहालय है, हड़प्पा संग्रहालय है, या राखीगढ़ी संग्रहालय है। तो इन सभी में जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, राखीगढ़ी संग्रहालय। कौन सा है, राखीगढ़ी संग्रहालय है। वहाँ पे जो भी आपके अवशेष मिले थे, जैसे मिट्टी का हल हो गया, ठीक है, यानी जो वस्तुएं मिली हैं, बर्तन मिले हैं, ठीक है, तो उस प्रकार की कोई भी छोटी से छोटी वस्तु जो उनसे रिलेट होती है, तो उन सभी को कहाँ पे रखा गया है, राखीगढ़ी संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, राखीगढ़ी संग्रहालय में रखा गया है। फिर आता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान, ये बोरा नहीं दौरान है, दौरान स्थानांतरित हुई थी, ठीक है? तो यानी कब जो उच्च न्यायालय की सीट है वो चंडीगढ़ में किस वर्ष क्या हुई थी, स्थानांतरित कर दी गई थी, ठीक? तो उच्च न्यायालय की सीट है वो कब कर दी गई थी, 68 में की गई थी, या 58 में की गई थी, या 55 में की गई थी, या 65 में की गई थी? तो सन 1955 में क्या है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या कर दिया गया था, उच्च पंजाब उच्च न्यायालय की सीट को क्या है चंडीगढ़ में स्थानांतरण कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1955 में, ठीक है? यानी 26 जनवरी 1950 को पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय का नाम क्या कर दिया गया था, पंजाब उच्च न्यायालय कर दिया गया। कब, यानी नाम पूछे तो 1950 को, और 17 जनवरी 1955 को क्या है न्यायालय को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है? इससे पहले कहाँ था, आपको मैंने कल भी बताया था कि चंडीगढ़ स्थानांतरण से पहले ये कोर्ट, जो अपना चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है, ये कहाँ था, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ आप सभी को पता होगा कि हरियाणा का कुछ इस टाइप का मैप है, ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना भाई, ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं है मेरी। तो क्या है कि इस टाइप का कुछ मैप है, तो हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये यहाँ से मान लो गुड़गांव से शुरू होकर दिल्ली से रायसेना की पहाड़ियों से शुरू होकर और कुछ टाइप से यहाँ से क्या है अरावली जाती है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला होगी। जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ पे क्या है, इस क्षेत्र में शिवालिक श्रेणियाँ बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। और यहीं पे क्या है पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं? मोरनी की पहाड़ियाँ हैं जो पंचकुला वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे पंचकुला में क्या है? मोरनी की पहाड़ियाँ हैं। और यहीं से टच होते हुए कौन सी पहाड़ियाँ भी हैं? शिवालिक श्रेणियाँ भी लगती हैं। कौन सी है? शिवालिक श्रेणी लगती है। और नीचे साउथ में क्या लगती है? हरियाणा के अरावली श्रेणी लगती है, ठीक है। तो अब इस क्षेत्र में कौन से ज़िले आते हैं? पंचकुला भी है, अम्बाड़ा भी है, यमुनानगर भी है, सिरसा है। सिरसा तो इस क्षेत्र में है। जो यहाँ का बाहरी क्षेत्र है वो जो तीनों तरफ से क्या है मोस्टली कहाँ किस से घिरा हुआ है? सिरसा राजस्थान से घिरा हुआ है। किस से घिरा हुआ है? राजस्थान से। तो जो सिरसा क्षेत्र है वो क्या है? शिवालिक श्रेणी से नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या होगा? सिरसा होगा। कौन सा होगा? सिरसा होगा, ठीक है। तो ये मैप के अकॉर्डिंग इसलिए समझा था कि आपको क्या है एक बार में ऐसे समझ में आ जाए कि आप बार बार उस चीज़ को बोल लो ना और आपको ये पता चले कि शिवालिक श्रेणी कहाँ पे हैं और अरावली श्रेणी कहाँ पे हैं, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये है कि हरियाणा के किस ज़िले में सबसे कम ग्राम पंचायत हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा पंचायतों का भी पता होना चाहिए और सबसे कम ग्राम पंचायतों का भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो सबसे कम ग्राम पंचायत पूछे तो आप क्या बताओगे? कौन से ऑप्शन है? महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम है, पानीपत है और फरीदाबाद है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फरीदाबाद। कौन सा होगा? फरीदाबाद होगा। यानी फरीदाबाद में क्या है सबसे कम ग्राम पंचायत हैं और सबसे ज़्यादा पूछे तो आप क्या बताओगे? यमुना नगर है। कौन सा है? यमुना नगर है, ठीक है। तो आप क्या बताओगे? यमुना नगर में सबसे ज़्यादा हैं और सबसे कम पूछे तो आप क्या बताओगे? फरीदाबाद में हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हरियाणा का डैश एक्सप्रेसवे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है। यानी जो फ्लाईओवर है, पुल बोलते हैं हम, ठीक है, फ्लाईओवर, ठीक है। तो वो एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा 6 लेन वाला यानी 6 लेन का फ्लाईओवर है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा का एक्सप्रेसवे है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, चंडीगढ़ में है, अम्बाड़ा में है या पानीपत में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा? पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। और पानीपत की कोई भी तीन खूबियाँ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आपने पूरी क्लास देखी है और पानीपत के बारे में आपने पढ़ा है तो आप ज़रूर बताओगे कि कंबल उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया है और रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पे है। ये आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।